भारतरत्न बर मान्जा भारत हाकतनि मन्त्री बख्रक राजीव गान्धीनि फिल्ड 33 थैमानि सालाव मैथु खैमानि बिसिंतै सदर हाकर कंग्रेस बदलनि लाजिमुंबाय कक्ति सालाव मेगा थैरिमु सिगाथाय पान्दा खाजाखा तिनि अ संहति साल होनि सिनिजामनि सालाव मेगा थैरिमु सिगाथाय पान्दाव मान्जाखा कंग्रेस बदलनि एमएलए गोपाल चन्द्र र कचाम एमएलए आशिष कुमार साहानखबै कंग्रेस बदलनि गुबुनि आदर र अ मेगा थैरिमु सिगाथायनो रोगै सदर हांकर कंग्रेस कमिटिनि आदरनि बिसिंग खासरामाथाय खातुं खाता नुजाखा आधुनिक भारतनि रूपकार प्रातो प्राक्तन प्रधानमन्त्री भारतीय जातीय कंग्रेस अन्यतम अनुप्रेरणार उत्स राजीव गांधी 33वां प्रयाण दिवस आज त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस प्रधान कार्यालय सदर जिला कांग्रेस उद्योगे एक रक्तदान शिविर आयोजन करा हुआ है। आज के भारतीय जातीय कांग्रेस पक्ष के सारा देश व्यापी दिन की यथाजोग्य मर्यादा श्रद्धार संगे पालित हो भारतवर्ष के पाश्चात्यर संगे पाल्ला दिए आधुनिकतार जुगे प्रवेश करार जन्नो राजीव गांधी जी अवदान एटा अनस्वीकार्य देशवासी आज प्रगति एवं विकासेर जन्नो एक जन विकास पुरुष हिसाब प्रयात राजीव गांधी के स्मरण करे आज देशेर मानुषेर काछे राजीव गांधी प्रासंगिक भारतीय जातीय कांग्रेस नव भारत गड़ार लक्ष्य युव समाज के संकल्पबद्ध होवार जन्य देशेर विच्छिन्नतकामी शक्ति साम्प्रदायिक शक्ति उग्रवादेर बिरुद्धे लड़ाई अवतीर्ण हुए एक संहतिर ये दिशा एक दिशा देखाते आमादेर वर्तमान जातीय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस नेतृबृंद आमादेर प्रिय नेत्री सोनिया गांधी जी नेतृत्व देश जुड़े भारत जोड़ो आंदोलन हाथ जोड़ो कर्मसूची एक धरनेर कर्मसूचर मध्य दिए जात पात धर्म सम्प्रदायर बिरुद्धे आज के जे संकल्प ग्रहण करार उद्योग नेवा जे दिशा देश आज के एगिए जावार कथा छिलो जा आज के राजीव गांधी स्वप्न के ब्याहत करे चले देशेर बर्तमान शासक दल जे भावे ए देश के परिचालना जे व्यर्थतार परिचय दिए विच्छिन्नतावाद जात पातेर भित्तिते যেভাবে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার লক্ষ্যে আমাদের দেশের সংহতিকে বিনষ্ট করে চলেছে তার বিরুদ্ধে আজকে কংগ্রেস দল রাজীব গান্ধীর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আজ শুরু করে আমাদের বিশ্বাস এই দেশের জনগণ এই রাজ্যের জনগণ রাজীবজির পথেও যে পথ এটাকে অনুসরণ করবে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করবে আমরা আজকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম তাদের সভাপতি উনি এআইসিসির একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের কর্ণাটক রাজ্য জয়ের যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সেখানে প্রধান মুখ্যমন্ত্রী সহ তার মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেটের এই সভায় যোগদান করার লক্ষ্যে উনি ত্রিপুরা থেকে গেছেন উনি আজকের এই কর্মসূচি সফল করার জন্য সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আহ্বান রেখেছেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বর্তমান বিধায়ক শ্রদ্ধেয় নেতা গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় আমি অনুরোধ করব
আজকের দিনে